जी तो दोस्तों, गुलगश्त पिजन में तमाम दोस्तों को खुशामदीद और सादिक जोया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी इनका दाना पानी किया है और शहर से कबूतर मंगवाए हैं मैंने, वो भी पहुंचने वाले हैं। 10 से 12 कबूतर हैं बच्चों समेत, लाल खाल मंगवाए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा पिछला चैनल जो है गुलगश्त पिजन जोया वो हैक हो चुका है, और अभी उसमें मेरे 14,000 सब्सक्राइबर थे। ये न्यू चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, मेडिसन पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी बनाना शुरू करूंगा। तो पहले थोड़ा सा आपको अपने लॉफ्ट का जो है वो व्यू करवाते हैं, क्योंकि अब ये न्यू चैनल है, इसमें न्यू सब्सक्राइबर होंगे। ये देखें दोस्तों, ये मेरा पूरा लॉफ्ट है। तो दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूँगा, इनकरीब इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ही बड़ा हम लोग लॉफ्ट तैयार कर रहे हैं अपना लाहौर में, वो भी उसकी भी मैं आप लोगों को जो है वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये मेरे पूरे लॉफ्ट का व्यू है जी। पिछले दिनों आपको पता है आंधी तूफान आया था, यहाँ से मेरा फ्रेम टूट गया था, उस वजह से जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी उस्ताद पप्पू गए हुए हैं अड्डे के ऊपर कबूतर उठाने के लिए, वो जैसे आते हैं वो भी दिखाता हूँ, और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने चैनल के अंदर मंडियों की वीडियो दिखानी है, मंडियों के रेट्स दूंगा, उसके बाद मैंने आप लोगों को बीमारियों के ऊपर वीडियो बनाकर देनी है, पिजन की हर किस्म की बीमारी A to Z उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाकर अपने इस चैनल में दिखाऊंगा, और सेटअप्स दिखाने हैं मैंने, और उसके बाद सेल परचेज के जो भी परिंदे होंगे वो भी दिखाने हैं। तो दोस्तों ये देखिए, एक जोड़ा मेरा लगा हुआ है, ये जो है ये न्यू जोड़ा बनाया है, ये भी आप देख सकते हैं, और इधर सियाह कलियारे बैठे हुए हैं, ये आज थोड़ी सी गर्मी में नहीं बैठे हैं, लेकिन इनको नलाया नलोया ये सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो पिजन यहाँ अंडे दिए हुए हैं, ये भी एक न्यू जोड़ा है दोस्तों। बाकी उधर भी दिखाता हूँ आपको, मेरा जो पूरा सेटअप है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मादी ने जो है वो अंडे दिए हुए हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल में आपको पिजन से रिलेटेड हर चीज़ बताऊंगा। अच्छा, ये दोस्तों एक नर के साथ, ये मेरा नर है, और इसके साथ ये दो मादियाँ लगी हुई हैं, ये गुब्बारा मादी फारिक थी और ये लट्ठी मादी, अंडे जो हैं गुब्बारे वाली मादी ने दिए, और वो उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ये लट्ठी मादी जो है इसने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, क्योंकि वो पहले इस नर की मादी थी, इस वाले नर की, इस नर की मादी थी, वो बीमार हुई थी, उसका इलाज किया, वो सेट हो गई है, अब वो उस दौरान ये मादी इसके साथ लग गई, अब इसने अंडे दे दिए, अब वो पुरानी वाली मादी ने अपना होल्ड किया, आगे कब्जा कर लिया। बाकी इधर देख सकते हैं आप, इधर भी पिजन बैठे हुए हैं मेरे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख लें आप, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे कलर भी इनके सब कुछ। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं सादिक भी परिंदा सेल करना है, जब सेल करना होगा तो भी बताऊंगा मैं। ये इधर भी बच्चे निकले हुए हैं, इधर भी बच्चा निकला हुआ है, और यहाँ भी ये आप देख सकते हैं बच्चे निकले हुए हैं, और इधर भी ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, यहाँ भी बच्चा निकला हुआ है, और अब मैं आपको, अभी तक आसिफ भाई आए नहीं है, उस्ताद पप्पू आया नहीं है, ये देखें दोस्तों यहाँ पर जो कबूतर सब दाना पानी खा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जोड़ा था, ये मादी अंडे नहीं देती थी, इसका मैंने इलाज किया, माशाल्लाह ये ब्रीडर हो गया। मैं हर किस्म का पिजन का इलाज जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 40 साल पुराना मेरा शौक़ है, मेरा जो पुराना चैनल था उसमें तो मैंने हर चीज़ बताई हुई थी। और यहाँ पर ये देख लें जी, ये जोड़ा बैठा हुआ है, यहाँ पर भी मेरे कबूतर बैठे हुए हैं सारे, और दोस्तों यहाँ ये मैंने एक वाइट बार
पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैंने तो कभी ये रखे नहीं है। एक दोस्त के कहने पर मैंने ये जोड़ा रखा हुआ है, इसने बच्चा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मैंने कुछ पौधे पौधे भी लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये मेरे कासनी चिड़े हैं, मादी ने अंडे दिए हुए हैं, ये इसका मेल है, ये देखिए। और ये मेरे हमदीरे हैं काबरे, आप देख सकते हैं इन्होंने बच्चा दिया हुआ, माशाल्लाह बच्चा बड़ा खूबसूरत है। और ये मेरा लाल खाल कांटे का ही जोड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए भी बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए कटारे वटारे हर चीज़ ओके है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसके माँ बाप है, माँ बाप भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आसिफ भाई आते हैं जो कबूतर लेके, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जी कांटा चला रहा है जी कबूतर, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी फीमेल है, बहुत ही हसीन कलर है इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा शौक पसंद आया होगा। अभी जो पिजन आने वाले हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको अपना पूरा व्यू दिखाता हूँ लॉफ्ट का। अभी मुझे पिछले दिनों आंधी तूफान आया, ये सारे देख रहे हैं आप, ये फट गए हैं, टूट गए हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा मुझे न्यू करवाना है, ये सारा इधर मैं पेपर चेंज करवा रहा हूँ, और इधर से सारी जो है ना ये प्लास्टिक शीट्स भी सारी चेंज करनी है। और ये मेरे लॉफ्ट का पूरा व्यू है, सॉरी व्यू है, असल में मेरा पिछला चैनल गुम हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं खुलाया हूँ। और अभी पिजन जो आते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आपने मेरा लॉफ्ट देख लिया। तो जी उस्ताद पप्पू तशरीफ ला चुके हैं, और ये बड़ा जलील और खुआर करके आया है, ड्रामेबाज हो गया, दुनिया का एक नंबर का फ्राडिया और बेईमान हो, ठिठू आज। हाँ जी ये देखिए जी, एक नंबर बंद ड्राइवर, देखो कैसे भेजे हैं ये देख किनो जी, नदीम साहब कबूतर पर अल्लाह करे जिंदा हो बीच में। मुझे कह रहा जी वो कायापुर आएगी गाड़ी, मैं वहां जाने लगा। हां मैं रहा रास्ते में, कौन दिखा अब तेरे मोबाइल पर वो भेजी थी मैंने, ठहर, तेरे मोबाइल में मैंने वीडियो भेजी है, इनके साथ जो बच्चे हैं ना छोटे जिनके साथ, उनको ऐसे छोड़ना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये कबूतर आ गए हैं, उस्ताद पप्पू लेके आ गए। ये बच्चे कितने छोटे हैं, दाना खाएंगे खुद, खुद तो नहीं खाएंगे। अच्छा ये अब वीडियो देखना, ये तो खा लेंगे, छोड़ी ना, अभी कितने बच्चे, तीन है। अच्छा इनको ठहर जाना, आप अपने वो निकालो ना जरा वीडियो। तो दोस्तों ये 12 कबूतर आए हैं, और ये बड़े बस यूं समझ लें कि मैं जलीलो ख्वार हो के आए हैं जी। चप दो कैसे हैं इसके अंदर, चप तो ही किधर। अच्छा आप वो वीडियो निकालो जो मैंने सेंड की है। तो दोस्तों ये पिजन माशाल्लाह आ गए, ये आप चेक कर सकते हैं, और इनको अभी मैंने खानों में छोड़ना, सेटिंग करनी है, देख सकते हैं ये नए पिजन आए हैं, ये बच्चे भी साथ हैं, ये हमने परचेज़ किए हैं। तो भाई अभी बाहर नहीं निकलना तूने, अभी ठहर जाओ, तो मैं देता हूँ दाना पानी सबको। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बान उस्ताद पप्पू जो है ये कबूतर लेके आए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक गाड़ी वाले का नंबर बना, और भेजने वाले माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे हैं, वो कबूतरों को जलील और ख्वार करके उन्होंने भेजा है। बहरहाल अल्लाह सबका भला करे, इसी के साथ इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।